डेस्टिनी वर्सेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आज हम इस हॉट टॉपिक पे बात करेंगे जिसको लेकर हर एक इंसान कंफ्यूज्ड है, परेशान है। एंड वी वांट टू नो द ट्रुथ, द नेशन वांट्स टू नो। हाय एवरीवन, वेलकम टू इमा 1111। मैं हूँ इमा थिंकर। मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ 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 सोचते रहती हूँ, और जो भी मैं सोचती हूँ, एनालाइज करती हूँ, वो मैं यहाँ पे एज अ फ्रेंड आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि बचपन से हम ये सीखते आए हैं, सुनते आए हैं, टीवी में देखते आए हैं, बड़ों से सुनते आए हैं कि विधि का विधान कौन टाल सकता है, जोड़ियाँ आसमान में बनती हैं, हम सब अपनी किस्मत में लिखा कर आते हैं, किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। और फिर बड़े होकर अचानक हमें पता चलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, एंड वी आर लाइक, ओ मुझे डेस्टिनी क्रिएट करनी थी, मतलब मैं को ये सब लिखना था। तो वॉट अबाउट दैट किस्मत, वॉट अबाउट किस्मत की लकीरें, वॉट अबाउट हाथों की लकीरें। तो क्या सच है, क्या झूठ है, ऐसी बहुत सारी कन्फ्यूजन हमारे माइंड में चलते रहते हैं। ठीक है, सो लेट्स बर्स्ट द बबल। डेस्टिनी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों चीज़ें सच हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ हमारे लाइफ में चल रही हैं। इसको समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत सुंदर एग्जांपल है, जो बताने के लिए मैं कई दिन से बेचैन हो रही हूँ। बट उस एग्जांपल को बताने से पहले, जो एकदम ही न्यू है, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, उनके लिए मैं एक छोटा सा शॉर्ट में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि व्हाट इज़ डेस्टिनी एंड किस्मत। तो जब हम बर्थ लेने से पहले, जन्म लेने से पहले, हर एक आत्मा जो होती है, हर एक सोल जो होती है, वो यहाँ पे आने का अपना एक एजेंडा डिसाइड करती है। एक मिशन पे आए हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक टारगेट है, तो उसे कहते हैं सोल एजेंडा। अब मेरा सोल एजेंडा कुछ भी हो सकता है, या तो मैं यहाँ प्यार पाने के लिए आई हूँ, या प्यार देने के लिए आई हूँ, या फिर मैं कुछ सीखने के लिए आई हूँ, किसी से बच्चे कुछ हिसाब किताब चुकता करने के लिए आई हूँ, ऐसे बहुत कुछ कुछ हो सकता है। तो हर एक चीज़ हम डिटेल में सिलेक्ट करते हैं कि हमारे माता पिता कौन होंगे, बर्थ सिटी कौन सी होगी, बॉडी कैसी होगी, फ्यूचर क्या होगा, करियर क्या होगा, सब कुछ, ताकि हम एक लेसन सीख पाएँ। लेकिन ट्विस्ट ये है कि यहाँ आकर तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता, और फिर हम परेशान होते कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों होता जा रहा है, वो क्यों होता जा रहा है, बिकॉज हम अज्ञानी है, लाइक वी डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज कि हम कैसे इस सारी चीज़ों को टैकल करें या कंट्रोल करें। बट अब हमें पता चल गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरीका है जीने का, सोचने का, जिसकी मदद से हम हर एक चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हर एक चीज़ जो हमने अनजाने में डिसाइड की थी तब, उसको हम अनडू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक नए सिरे से अपनी लाइफ लिख सकते हैं। यस, हर एक डिसाइड की हुई चीज़ मिट सकती है। अब हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या क्या डिसाइड किया था, तो उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे ना, हर एक चीज़ के बारे में तो सोच नहीं सकते। इसलिए एक बेसिक एटीट्यूड रखना है लाइफ में कि सब बेस्ट होगा, सब बेस्ट होगा। अगर कुछ गलत हो भी गया, तो कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न की वजह से वो हो रहा है, ये समझ लेना, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें जो हम सोचते भी नहीं है ना, वो हो जाती हैं, और फिर हमें ऐसा लगता है कि मैंने तो नहीं सोचा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि मेरे साथ ये हो, हुआ ना, मैंने तो नहीं सोचा था कि वो इंसान मर जाए मेरे लाइफ से, पर वो मर, मतलब समझ रहे हो ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि डेस्टिनी इज़ ऑल्सो वर्किंग, और ये जो इंसान हमें छोड़ के चले जाते हैं, ये उन्होंने डिसाइड किया था कि उन्हें कब जाना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शॉर्ट बोल के कुछ ज़्यादा ही लंबे में समझा दिया ना मैंने। अब आते हैं एग्जाम्पल पे हमारे। तो जैसे डेस्टिनी फिक्स्ड है, हर एक चीज़ डिसाइडेड है, हर एक रूल्स रेगुलेशंस, क्या घटना है क्या नहीं घटना है, वो डिसाइडेड है, जस्ट लाइक योर स्कूल। स्कूल में हर एक चीज़ डिसाइडेड होती है, सबके अलग क्लासरूम्स होते हैं, सबके यूनिफॉर्म्स डिसाइडेड होते हैं, हर एक सब्जेक्ट की टीचर डिसाइडेड होती है, और तो और बच्चों को कैसे टॉर्चर करना है वो भी डिसाइडेड होता है। जैसे एग्जाम्स हो गए, वाइवा हो गया, पनिशमेंट हो गई, होमवर्क हो गया, फिर अगर कुछ गलती कर दी तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाओगे, फिर इवेंट्स, फंक्शंस, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस एंड वॉट नॉट, बहुत सारी चीज़ें डिसाइडेड हैं कि ये तो स्कूल का पैटर्न है, ये तो होना ही है, ये तो ज़िंदगी का पैटर्न है, ये तो डेस्टिनी है, ये तो होना ही है। सिमिलैरिटी देख रहे हो, ठीक है, ये डिसाइडेड है।
अब स्कूल में जो भी बच्चे हैं यानी हम जो भी धरती पे आए हैं, हमारे साथ कुछ चीज़ें होने ही वाली हैं। जैसे एग्ज़ाम लिया ही जाने वाला है, वाइवा लिया ही जाने वाला है, होमवर्क दिया ही जाने वाला है। परेशानी, मुसीबत, किसी अपने का बिछड़ जाना, दर्द, दुख, ये सारी चीज़ें होने ही वाली हैं, ठीक है। लेकिन स्कूल में ये टोटली 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 बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो क्या करके दिखाएंगे अपने स्कूल लाइफ में। अगर एक बच्चा है जो डल, गुमसुम, मासूम सा बैठा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, नो एक्शंस एट ऑल, तो स्कूल उसको कंट्रोल करेगा। जैसे कि हमारे लाइफ में अगर हम नेगेटिव रहेंगे, कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे खुद को इम्प्रूव करने के लिए, तो डेस्टिनी हमको कंट्रोल करेगी। लेकिन उसी तरह स्कूल में अगर एक बच्चा है जिसने डिसाइड कर लिया कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, मैं डिसिप्लिन में रहूँगा, मैं स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व रहूँगा, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहूँगा, मैं फैंसी ड्रेस में भी पार्ट लूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कि वो फर्स्ट बेंचर वाला जो बच्चा होता है, अगर आप वैसे बनोगे तो आपके लिए स्कूल लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आप पनिशमेंट से बच जाओगे, आपके लिए होमवर्क करना बहुत इजी हो जाएगा, आप कभी रेस्ट्रिक्ट या सस्पेंड नहीं होगे, हर एक फंक्शन में आपको पहले चांस मिलेगा, आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप इजीली पूरी कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो उसी तरीके से लाइफ में जब हम एक अच्छा सॉलिड पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलते हैं, अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी होते हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हैं, तो हम लाइफ को इजी बना लेते हैं, हैप्पी बना लेते हैं अपने लिए। सारी मुसीबत को टैकल करने का तरीका हमें आ जाता है और अच्छी चीज़ों को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। जो डिसाइडेड था ना, एग्ज़ाम, डर, वाइवा, पनिशमेंट, उन सारी चीज़ों को हमारा माइंडसेट हटा देता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आप उतनी ही खुशी से इसको समझ रहे हो जितनी खुशी मुझे हुई थी इस एग्जाम्पल को सोचकर। मुझे ये परफेक्ट लगा समझाने के लिए कि स्कूल एंड स्कूल के रूल्स डिसाइडेड हैं, पर बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो किस एटीट्यूड से उस पूरे स्कूल में अपनी लाइफ बिताएगा। तो वैसे ही डेस्टिनी भले ही डिसाइडेड हो, लेकिन हम अगर अपना माइंडसेट अच्छा रखेंगे तो हम हर एक बुरी चीज़ जो सोची थी हमने अपने आप को लेसन सिखाने के लिए, उससे हम बच जाएंगे। हम उसके बदले एक न्यू लाइफ क्रिएट करने लगेंगे, अपना इतिहास हम खुद लिखेंगे, कहते हैं ना। सो दैट इज़ वाई वी से कि यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। जैसा माइंड स्टेट होगा वैसी ही लाइफ होगी। और अब कुछ लोगों को जो पहली बार इन सारी बातों को सुन रहे हैं, उनको ये भी डाउट आएगा कि क्या हर एक चीज़ लिखी हुई मिटा सकते हैं। हाँ, मिटा सकते हैं। पर दिक्कत यही है कि हमने क्या क्या सोच रखा है हमको नहीं पता है, और कुछ चीज़ें होनी ही है। जैसे स्कूल है तो अब एग्ज़ाम तो होनी ही है। ऐसा नहीं है कि बाबा वो बच्चा बहुत होशियार है तो उसकी एग्ज़ाम ही नहीं लेगा कोई भी, है ना। तो कुछ चीज़ें डिसाइडेड है, वो होती ही हैं, बस हमें अपने एटीट्यूड को अच्छा रखना चाहिए। अगर अच्छा नहीं रखेंगे, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि क्या करें एटीट्यूड अच्छा रख के, लाइफ में तो ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर अगर आप ख़राब एटीट्यूड के साथ ख़राब लाइफ को झेलोगे तो और ख़राब होता जाएगा। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक अच्छे कूल एंड यू नो हैप्पी एटीट्यूड के साथ ख़राब लाइफ को झेलोगे तो आप जीत जाओगे। लाइफ में अच्छा एटीट्यूड रखना हमेशा अच्छी ही बात होती है, इससे कुछ नुकसान तो नहीं होता, उल्टा ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है, ठीक है। कभी कभी पेशेंस ख़त्म होने लगता है, कभी कभी टू मच टू हैंडल हो जाता है, बट इट्स ओके ना। हम सब लोग मिलकर एक कम्युनिटी किस लिए बनी है, ये इसीलिए ताकि एक दूसरे की हेल्प कर एक दूसरे का सपोर्ट लेकर हम आगे बढ़ पाएं। जिस तरह स्कूल में जब टीचर समझाती हैं कुछ तो नहीं समझ में आता है, उतने दूर से टीचर कुछ बता रही हैं नहीं समझ में आता है, बट हमारे साइड वाला जो फ्रेंड है उसको हम ये बताना क्या करना है, कौन सा पेज पर पढ़ रहे टीचर, तो वो हमें हेल्प कर देते हैं। तो उसी तरीके से वी ऑल आर हेयर टू हेल्प ईच अदर। और एक डाउट कि हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए बेस्ट है, सही टाइम आने दो, सही टाइम आने दो, तो उसी तरीके से हर एक चीज़
एक परफेक्ट रिदम में, जैसे स्कूल में चलती है, स्कूल यानी एक वर्ल्ड और डेस्टिनी दोनों पकड़ लो, ठीक है। तो उसी तरह हर एक चीज़ रिदम में चल रही है। अब टीचर को, मैं एक टीचर रह चुकी हूँ इसलिए मुझे पता है कि बच्चे लिटरली दे यूज़ टू बेग मी कि टीचर प्लीज़, टीचर फ्री पीरियड दो, टीचर गेम खेले जाना, टीचर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, मतलब सिखाना मत स्पोर्ट्स लेके जाना। तो अब मैं उन्हें एक बार लेके जाऊँगी, दो बार लेके जाऊँगी, पर क्या मैं हर लेक्चर में ऐसा कर सकती हूँ? नहीं, बिकॉज़ चाहे टीचर कितनी भी स्ट्रिक्ट हो या कुछ भी हो, वो हमेशा बेस्ट ही चाहती है बच्चों का। बच्चा कितना भी रो रो के, मतलब नीचे लेट लेट के क्यों ना वो स्पोर्ट्स मांगे, पर क्या टीचर उन्हें स्पोर्ट्स देगी हर बार? नहीं ना, नहीं दे पाएगी, क्योंकि दैट इज़ नॉट गुड फॉर देम। उसी तरीके से सम थिंग्स आर नॉट गुड फॉर अस, इसीलिए वो हमें नहीं मिलती हैं। और कुछ मिल रहा है भगवान की कृपा, कुछ नहीं मिल रहा है भगवान की इच्छा, ये समझ कर मन में संतुष्टि रखना लाइफ में। तो कभी भी परेशान मत होना, हर एक चीज़ अपने कंट्रोल में है। अच्छा एटीट्यूड रखना, भले ही सब क्रैपी क्यों ना हो रहा हो लाइफ में, बट जस्ट थिंक हैप्पी एंड थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग, ठीक है। अभी मुझे और कुछ भी याद नहीं आ रहा है सीरियसली, बट आई होप ये एग्जांपल ने आपको हेल्प किया हो। और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाना है अभी, मेरे मॉम के साथ आइसक्रीम खाने के लिए। सो आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, इस एग्जांपल को ध्यान में रखिए। इससे बेटर और अच्छा कोई एग्जांपल हो तो प्लीज़ फील फ्री कि आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, ताकि जो भी इंसान पढ़ेगा उसका माइंड और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको, इन एग्जांपल की सीरीज़ को कंटिन्यू करना, यानी स्कूल से ही रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड जो बातें हैं, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप शेयर कर सकते हो। आई लव रीडिंग योर लॉन्ग कॉमेंट्स, स्टोरीज, एग्जाम्पल्स, एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी, और मेरे मन की बात सुनने के लिए कोई तो है उसके लिए थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड बाय।